Welcome to my channel kausaralvi lifestyle. Yummy sa meetha aa raha hai jab achanak se aap yahan guest aa jaye, you don't know how to do and what to do, to ye meetha create kare. Isme sirf aapko bread chahiye aur thodi si malai ya cream, jo ke har ghar mein hoti hai. Malai ko leke hum chini dal ke isko thandi malai ko hum phent lenge, achhi tarah se creamy texture mein aa jayega. Aur maine thode se 2-3 slice bread ke liye hain, unke upar main is cream ko apply karungi. And you only need about 1/2 kg aur 750 ग्राम्स मिल्क चाहिए आपको, यानी कि 750 मिलीलीटर मिल्क चाहिए होगा, ज़्यादा भी ले सकते हैं. ये मेरे पास ताज़ी ब्रेड थी जो आज या कल में आई थी और ज़रा सी यूज़ हुई थी, तो मैं इसके स्लाइसेस ले रही थी. स्लाइसेस के ऊपर क्रीम लगाकर मैं उन्हें कट कर लूँगी स्क्वायर में या छोटे छोटे ट्राइंगुलर फॉर्म में, ठीक है जी. इनके किनारे को मैंने कट कर दिया था, ये देखें आप भी बिल्कुल इसी तरह कर सकते हैं. थोड़ी सी स्केल चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए. और वो बच्चियाँ जिनको अभी मीठा बनाना ज़्यादा नहीं आ रहा, तो वो इस तरह के बेसिक सिंपल मीठे सीखें. और घर में ब्रेड लेफ्ट ओवर भी हो जाती है, बच्चे नहीं खा रहे होते हैं, तो आप उनको ये इस तरह का मीठा बना के शाम को सफर के साथ दे सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं. मुँह में घुल जाने वाला यमी सा मीठा तैयार हो रहा है, बिल्कुल रस मलाई को बीट कर देगा और इतना ज़बरदस्त है. ना इसमें फ्राइंग है, ना इसमें ऑयलिंग है, ना डीप फ्राइंग है जो कि शाही टुकड़े में होता है. तो ये सिंपल सा मीठा है. अगर आपको क्रीम नहीं भी चाहिए तो आप ना लगाइए, जैम लगा लें, सो सिंपल, वैसे भी खा लें. अब डबल स्लाइस मैंने सैंडविचेस बना लिए थे हर एक को, और मैं ट्रायंगुलर फॉर्म में इनको कट कर रही हूँ, ठीक है. तो मुझे इतना ही चाहिए, 2-3 लोगों के लिए ये मीठा चाहिए. तो मैं इस तरह बना रही हूँ, दोनों स्लाइसेस पे मैंने क्रीम लगा दी थी और ये क्रीम घर के दूध से तैयार हुई है, वरना मेरे यहाँ पैकेट का दूध आता है फ्रेंड. लेकिन जब मीठा आपने बनाना हो तो आप हमेशा फ्रेश क्रीम मिल्क लें. ये देखें मैंने फिर इनके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे अपनी कन्वीनियंस के लिए, सबको रख दिया था. और इसके बाद मैंने पैन में दूध को स्टोव के ऊपर रख दिया था, इसको बॉइलिंग पॉइंट तक मैं लाऊंगी. ये देखें, ये मैं कस्टर्ड बीट कर रही हूँ. यहाँ पे आप सिंपल कॉर्न फ्लावर भी ले सकते हैं. और दूध को पका के मैंने रिड्यूस कर लिया था ताकि अच्छा गाढ़ा हो जाए, लेकिन मैंने पहले चीनी डाली थी और बाद में कस्टर्ड डालना है. आपने इस तरह नहीं करना कि पहले कस्टर्ड डालें चीनी, क्योंकि शुगर डालने के बाद भी थोड़ा सा ये लिक्विड हो जाता है. तो ये मेरे से स्टेप आगे पीछे हो गए, आई होप यू डोंट माइंड. इसको थिक करते जाएंगे, थिक करते जाएंगे अंटिल यहाँ पर चाहें तो यू कैन ऐड 1 egg विच विल गिव इट मोर रिच एंड क्रीमी टेक्स्चर. बट आई एम नॉट यूजिंग शुगर डाल दी, दैट इज़ अबाउट 1/2 cup. और डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट, तो इसको हम थिक करेंगे, रिमूव कर लेंगे, ठंडा करेंगे. लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा होने से पहले आपने एक काम करना है कि जो जितने भी सैंडविचेस थे बलाई वाले छोटे, इनको डिप दे देंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, राइट. तो इसको गर्म दूध में ही रख के हम इसको करेंगे इस तरह. और फिर इसके बाद मिल्क डालकर, जो कि रूम टेम्परेचर पर था, आई कैप्ट इट इन द फ्रिज फॉर 3-4 hours. इसके बाद यमी सा मीठा तैयार था. बिलीव मी, आपको यकीन नहीं आएगा कि टेस्ट वॉज सो यमी एंड रिच. सिंपल इन्ग्रीडियंट थे, कोई फ्राइंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था. और मेरे घर में मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था. इसके ऊपर पोर ओवर कर देंगे जो लेफ्ट ओवर हमारा थिक मिक्सचर है. ये बिल्कुल ऐसा जैसे रस मलाई का बैटर होता है. क्रीम हमारी बच भी गई थी, आप चाहें तो ऊपर गार्निश कर सकते हैं. पिस्ता डालें, नट्स डालें, काजू डालें, किशमिश, नारियल से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं. और लो बजट में ये आपका मीठा तैयार हो जाएगा. यू ओनली नीड 1 liter मिल्क, सम स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एंड क्रीम. शुगर तो होती ही है, तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था. इसके बाद टेस्टिंग का टाइम आया था तो मैं निकाल रही थी, देखें सुपर सॉफ्ट है, रस मलाई जैसा इसका टेस्ट था. बिलीव मी, इतना यमी मीठा कि मैंने सोचा कि मैंने पहले आप लोगों के साथ ये शेयर क्यों नहीं किया. यानी मैं समझती थी सो सिंपल है तो क्या शेयर करना, बट आई ट्राइड इट टुडे. तो जब आपके यहाँ दाल सब्जी हो तो इस तरह के मीठे कर खिला के अपनी फैमिली को खुश कर दिया करें, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है. सुपर टेस्ट.